आपको मैं समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। इधर कपड़े, कपड़े हम क्यों पहनते हैं? पहली बात तो आपको पता होगा कि कपड़े हम क्यों पहनते हैं। पहली बात है कपड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। कपड़े जो होते हैं, क्लोथ जो होते हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेदर कंडीशन सच एज हॉट, कोल्ड एंड रेन। कपड़े जो होते हैं हमको गर्मी से, सर्दी से और बरसात से बचाते हैं। इसके अलावा दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स ऑल्सो। वो हमें कई तरह के कीड़े मकोड़ों से, मच्छरों से और कई तरह के जानवरों से हमें बचाते हैं। अगर हम खाली बैठे होंगे, मान लो बिना कपड़े के पहन बैठे हैं, तो हमें कोई भी मच्छर जड़ से काट सकता है। इसीलिए हम रात को सोते वक्त जो है कपड़े फुल बाजू के, अगर जैसे अभी बरसात का सीज़न है, मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो हमें फुल बाजू के कपड़े पहन करके ही सोना चाहिए। क्लोथ्स, और आपको तो पता ही होगा कि मच्छरों की वजह से हमें कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं उनके काटने से, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो वो हमें ना हो, इसलिए हमें अच्छे से कपड़े फुल बाजू के पहन के ही रखने चाहिए, विशेष रूप से इस रेनी सीजन में। क्लोथ्स इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी। एक खास बात है कि कपड़े पहने हुए हम अच्छे लगते हैं। हम अच्छे साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े अगर पहनते हैं तो उससे हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है, हम अच्छे दिखते हैं। ख़ासतौर पर जब हमारा बर्थडे होता है तब तो हम स्पेशल ड्रेस पहनते ही पहनते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है कि क्लोथ्स आए कैसे, बने कैसे। तो इसके लिए बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्लोथ्स जो बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं धागों से, जिसको कहते हैं यार्न। पर यहाँ पर वो यार्न, वो धागा जो है वो कहाँ से बना, वो फाइबर से बना। देखिए ऊपर देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं फाइबर है, ये फाइबर जो है, फाइबर को क्या, ये फाइबर एक नेचुरल धागे होते हैं जो पतले पतले बाल जैसे होते हैं, उनको पहले हमें आपस में मिला करके उसका यार्न बनाते हैं। यार्न मतलब धागा, ठीक है। उस धागे को फिर बुनते हैं। बुनने के दो तरीके हैं, एक तो वीविंग का तरीका है और एक नीटिंग का। नीटिंग, वीविंग और नीटिंग में क्या फ़र्क है, जो बच्चों ने पहले पढ़ रखा है उनको ध्यान है कि वीविंग का मतलब था जब दो धागों को मिलाकर के हम कपड़े की बुनाई करते हैं तो उसे हम वीविंग कहते हैं, और जब एक ही धागे से, जैसे हम स्वेटर बनाते हैं, तो स्वेटर बनाते से सिर्फ हमें एक ही धागे का इस्तेमाल करते हैं और दो हमारे पास में सिलाइयाँ होती हैं, तो उससे हम नीटिंग करते हैं, और दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में फैब्रिक बनता है ना, कोई कपड़ा ही बनता है। उस कपड़े से हम कुछ भी बना सकते हैं, चाहे पैंट्स बनाए, शर्ट्स बनाए, कुछ भी बनाया जा सकता है। अब आता है कि सबसे पहले तो चलो ये धागा बनाएंगे, लेकिन धागे से पहले वो फाइबर, ये नेचुरल जो फाइबर है, फाइबर हमारे पास कहाँ से आएंगे। फाइबर हमें दो जगह से मिलता है, एक तो नेचुरल तरीके से और एक मैनमेड तरीके से हमको मिलता है। मैनमेड नेचुरल जो है, मैनमेड जो, उसको हम केमिकल भी कहते हैं या सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। उनके एग्जांपल है नायलॉन, रेयॉन, कैरेलिन। ये आप अगली क्लास में पढ़ोगे जब एट में होंगे। अभी हमारे पास में हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर के बारे में। ये जो नेचुरल फाइबर है, ये नेचुरल फाइबर हमको दो जगह से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर को हम आगे दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एनिमल फाइबर और दूसरा प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर जो है उसके एग्जांपल मैंने लिखे हैं, जैसे सिल्क जो कि सिल्क वर्म से मिलता है, वूल जो कि हमें शीप से, रैबिट से या कैमल से भी मिलता है, और कश्मीरी लैमिना जो है, लैम्प, उससे भी मिलता है, कश्मीरी शीप या कश्मीरी गॉट, उससे भी हमें मिलता है। लेकिन स्पेशली हम जो है सिल्क और वूल के बारे में ही स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। अब आता है प्लांट्स में, प्लांट्स फाइबर भी कई सारे हैं, जैसे कि जूट फाइबर है, जैसे कि हमारे जूट के थैले वगैरह होते हैं, कॉटन है, कॉटन से फैब्रिक बनता है, कॉटन के कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट कोयर है, जो कि थोड़ा टफ होता है। कोयर के अलावा फ्लक्स भी है, और भी कई सारे जो प्लांट्स फाइबर हैं जिनका भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको सिर्फ इतना, ये मैंने आपको ओवरव्यू इसका बताया है। कल मैं आपको जो है, क्योंकि आपके पहले सिक्स क्लास है, तो आपके पहले प्लांट्स फाइबर के बारे में हम पढ़ेंगे, भाई जूट हमें किस तरह से मिलती है, कॉटन से कॉटन का कपड़ा कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस है, वो कौन कौन से सारे मेथड्स है, वो सारे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू। फिर मैंने तो वो